साहब को लेकर सायरा बानो का वो इंटरव्यू काफी वायरल हुआ है जिसमें दिलीप साहब को लेकर सायरा ने कहा कि जब भी होती थी दिलीप साहब की गलती या मेरी गलती, मैटर नहीं करता था, मैटर ये करता था कि कैसे जल्दी से जल्दी ये गुस्से वाला माहौल खत्म हो जाए उनके बीच का। जी हाँ, सायरा बानो हमेशा से बबली टाइप की रही है, उन्हें बिल्कुल भी घर का माहौल स्ट्रेस्ड पसंद नहीं रहा। 7 जुलाई को जिस दिलीप साहब का इंतकाल हो गया, उनके जाने के बाद सायरा बानो का जीवन जीने का लक्ष्य ही मानो गायब हो गया, क्योंकि सायरा का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, दिलीप साहब की सेवा करना, और ईश्वर ने उनसे ये लक्ष्य भी छीन लिया दिलीप साहब को अपने पास बुलाकर, जिसकी वजह से सायरा पूरी तरह से टूटकर बिखर गई है। उस सायरा बानो ने अपने दिलीप साहब के लिए क्या कुछ नहीं किया। सायरा बानो ने दिलीप साहब से तब भी माफी मांगी, गिड़गिड़ाती रही, माफी मांगती रही जब उनकी गलती नहीं भी थी। जी हाँ, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था सायरा बानो के आगे उनके कोहिनूर उनसे रूठे रहे, और दिलीप साहब खुद को कैद कर लेते थे गुस्से में, उनका गुस्सा ऐसा था वो बात ही नहीं करते थे किसी से, अकेले रहते थे, इसलिए सायरा बहुत स्ट्रेस्ड रहती थी। सायरा बानो ने ये स्टेटमेंट दिया है एक इंटरव्यू में जो इस वक्त लोगों को काफी इमोशनल कर रहा है। सायरा का इस कदर प्यार करना दिलीप साहब को अपने आप में काफी ज्यादा दर्द दे रहा है। सच में दिलीप साहब की ये प्रेमिका जो है उनकी इतनी ज्यादा करीबी थी, इतनी ज्यादा दीवानी थी, ऐसा दीवानापन फिल्म इंडस्ट्री में कहां किसी ने कभी देखा था जितना सायरा और दिलीप के बीच था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।